कोई एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो. फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक. मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना. टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर. चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है. आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप. चलिए वीडियो शुरू करें. ये अपडेट हमको काफ़ी पहले ही मिल गया था, मॉर्निंग में 4 बजे मिल गया था, लेकिन समय अभाव कारण वीडियो नहीं बना पाए. अब थोड़ा हम फ्री हैं तो आपको सबसे तेज अपडेट्स देते रहेंगे, बस बेल आइकन को दबा के रखिएगा. ठीक, यहाँ देख सकते हैं परीक्षा का फार्मूला तैयार, शासन के निर्देश का है इंतजार. ठीक, आज की अपडेट्स हैं. और यहाँ पे देखिए MJP रुहेलखंड, तो MJP का है लेकिन इसको सभी यूनिवर्सिटी के ऊपर लागू हो जाएगा. राइट, MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा के आयोजन के लिए फार्मूला तैयार कर लिया है. परीक्षा के लिए फार्मूला तैयार कर लिया है, समझ रहे हैं ना. लेकिन सिर्फ शासन के निर्देश का इंतजार है. अभी तक उम्मीद है कि स्नातक व परास्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी, अभी तक उम्मीद है. ठीक है, लेकिन प्रश्न पत्र किस तरह से तैयार होगा, ये सभी निर्णय शासन को ही लेने हैं. यही वजह है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं कि अच्छा विश्वविद्यालय के अधिकारी सभी तरह की तैयारियों में जुटे हैं. विश्वविद्यालय के अधिकारियों के मुताबिक शासन के निर्देश पर छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने को लेकर रिपोर्ट भेजी जा चुकी है. पिछले वर्ष छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया गया था और अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराई गई थी. पिछली बार कुछ परीक्षाओं का आयोजन हो चुका था जिसकी वजह से छात्रों का मूल्यांकन कर उन्हें प्रोन्नत करने में कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं हुई है. प्रथम वर्ष के छात्रों को तो एक मौका प्रोन्नत करके दे दिया जाएगा, लेकिन जो छात्र पिछली बार प्रथम वर्ष से प्रमोट होकर दूसरे वर्ष में आ गए थे उसे इस वर्ष भी बिना परीक्षा के प्रोन्नत करने पर अंतिम वर्ष के मूल्यांकन में दिक्कत होगी. यह भी तैयारी है कि स्नातक व परास्नातक में सभी विषयों के अलग अलग पेपर न कराकर सिर्फ विषय का संयुक्त पेपर तैयार कर लिया जाए, लेकिन ऐसा करने से छात्रों को परेशानी हो सकती है. इसके अलावा बहुविकल्पी प्रश्न पत्र भी तैयार करने की तैयारी है. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे अपडेट्स हैं, किस प्रकार के एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं इस बार UP यूनिवर्सिटी में और क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं. प्रमोशन को लेकर देखिए उसमें ज़रूर बोला गया था कि फर्स्ट एंड सेकंड को, लेकिन माहौल जिस प्रकार से बन रहे हैं कोई भी फैसला लिया जा सकता है. अभी अगले वीडियो में बताते हैं क्यों अभी तक फैसला नहीं लिया गया है प्रमोशन पर. ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा. लाइक एंड शेयर.